गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू एसेंट ऑनलाइन क्लासेस क्लास टू मैथ्स। लास्ट टाइम मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये करवाए थे। आई होप आपने सबने ये अच्छे से होमवर्क कर लिया था। क्वेश्चन नंबर जो 15 उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है। देवेश अर्न्स 88 पर मंथ। देवेश कितना कमाता है? 88 रुपीज पर मंथ कमाता है। शेखर अर्न्स 50 रुपीज लेस देन देवेश। अब इसमें शेखर की इनकम 50 रुपीज नहीं है। क्वेश्चन पूछा है शेखर कमाता है 50 रुपये कम, किससे? देवेश से। तो ये पूछ रहा है फाइंड द टोटल मंथली इनकम ऑफ देवेश एंड शेखर। अब ये बता रहे देवेश और शेखर की टोटल इनकम कितनी होती है। पहले तो हमको क्या निकालना है, पहले देवेश की इनकम निकालनी है फिर शेखर की। और यहाँ पे देवेश की इनकम क्या दिया गया है, 88 रुपीज पर मंथ। तब क्वेश्चन नंबर 15, तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे, देवेश मंथली इनकम, इसका क्लियर लिखा हुआ है 88 रुपीज पर मंथ। तब इसकी इनकम कितनी हो गई यहाँ पे, 88। आगे हमको क्या लिखना है यहाँ पे, रुपीज। अब हमको क्या निकालना है, शेखर अर्न्स 50 रुपीज लेस देन देवेश। यहाँ पर लेस देन लिखा हुआ है, लेस देन मतलब देवेश से कम। देवेश से कम मतलब यहाँ पर क्या कौन सा होगा, शेखर्स इनकम कितना हो गया, लेस देन मतलब माइनस का मार्क लगेगा, और कितना, 50 रुपीज लेस 50 रुपीज। तो कितना हो गया, 8 में से 0 गए 8, 8 में से 5 गए 3, 38। इसका मतलब ये शेखर्स की इनकम कितनी हो गई, 38 रुपीज। कितनी हो गई, 50 रुपये किससे कम कमाता है, शेखर देवेश से 50 रुपये कम कमाता है। मतलब देवेश की, शेखर की इनकम कितनी हो गई, शेखर्स इनकम इज 38। तब क्या लिखेंगे, देवेश इनकम, देवांश इनकम कितने हो गया, 88। रुपीज, जबकि यहाँ शेखर्स इनकम, इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 50 रुपीज नहीं आएगी, इसकी इनकम आएगी 38 रुपीज। तब क्वेश्चन को वापस से पढ़ो, फाइंड द टोटल इनकम, जहाँ पर टोटल वर्ड आ जाता है वहाँ पे क्या किसका मार्क आएगा, एडिशन का प्लस। तब प्लस करेंगे तब कितना हो जाएगा, 8 + 8 = 16। 16 में 6 वहाँ हो गया 1, कैरी फॉरवर्ड। अब काउंट करो, 8 + 1 = 9, 9 + 3 = 12, 126 रुपीज। तो ये कितना हो गया, टोटल इनकम, ये इसका आंसर क्या हो गया, आपको लिखना है 126 रुपीज मंथली इनकम ऑफ मंथली इनकम ऑफ
देवांश देवांश एंड शेखर, ये इसका 15 का आंसर है। अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड। डिवाइड मतलब किसी चीज़ को बांटना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 25 डिवाइड बाई 5। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का ए नंबर, 25 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। कितनी बार जाएगा, 5 जा 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। 40 डिवाइड बाई 8, तो इसका भी 5। 72 डिवाइड बाई 9, तो 9 8 जा कितना होता है, 72। तो ये 8, इस तरह से आपको ये सबके सॉल्यूशन करना है। जैसे सेकेंड बी नंबर लगाना है, 40 डिवाइड वाला मार्क इजी किसको देना है, 8 इंटू 5, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 40, और ये क्रॉस 0, क्रॉस मतलब 0, 5 इसका आंसर। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना है आंसर। इस तरह से ये दोनों भी रिमेनिंग, इसमें सी दो तो मैंने करा लिया, एक लास्ट आपको खुद को करना है। अब है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब उसको बिल्कुल सरल भाषा में आपको इसमें लिखना है। अब जैसे मैंने लिखा है 29 पैसा है, ए के पास 25 पैसा है, बी के पास 56 पैसा है। तब मैं पूछता हूँ कि कितना पैसा हो गया दोनों मिला के, 29 पैसा और 56 पैसे को यहाँ पे ऐड करना है। ये देखो यहाँ प्लस का मार्क दिया हुआ है, 9 प्लस 6 इजिकल टू 15, 15 का 5 यहाँ पे आ गया और 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 इजिकल टू 85। 85 लिख के आपको छोड़ना नहीं है, आगे आपको पैसा भी लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन पैसा में पूछा गया है। समझ में आया। अब यहाँ पर भी ऐड दिया गया है, 54 पैसा और 21 पैसा। अब यहाँ पैसे की जगह अगर पेन लिखा हुआ आता तो हमको आंसर में भी पेन लिखना होता है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तब आपका आंसर एग्जामिनर आपका आधा मार्क्स काट सकता है। 54 प्लस 21, 4 प्लस 1 इजिकल टू 5, 5 प्लस 2 इजिकल टू 7, तो 75 पैसा। अब यहाँ पर सिंबल देखो माइनस का दिया गया है, माइनस मतलब सब्सट्रैक्स करना। 65 पैसा में से 34 पैसा को माइनस करना है, 5 माइनस 4 इजिकल टू 1, 6 में से 3 गया तो 31 पैसा, 27 पैसा माइनस 15 पैसा तो कितना हो गया, 7 में से 5 गया तो 2, तो 12, और यहाँ पर 1 हो गया तो 12 पैसा। अब 18 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेन फिगर्स एंड राइट देयर नेम। अब यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स में कुछ दिया हुआ होता है, सर्किल, इसको ये जो गोल गोल राउंड होता है इसको क्या बोलते हैं, सर्किल, और जो चारों तरफ से बराबर होता है, 1 2 3 4, ये चारों बराबर लाइन होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर, हिंदी में वर्ग बोलते हैं। अब ये देखो दो लाइन बराबर है और ये अलग लाइन है, ये आयताकार होता है, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। जैसे कि ये अपनी बुक है, ये कैसी है, आयताकार, ये इक्वल है और ये भी इक्वल है और ये दोनों एक जैसी है, तो इसको आयताकार बोलते हैं। ये डायग्राम आपको
बनाने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19, अभी आप छोड़ोगे, 20 नंबर पे जाएंगे। लुक एट द फॉलोइंग क्लॉक्स एंड राइट देयर नेम। अब यहाँ पे टाइम देखना है और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अभी आपको यहाँ तक ही करना है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 20 कराऊंगा। ये आपका होमवर्क है 15, 16, 17 एंड 18। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।